आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। राहु के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा, इस जानकारी को लेकर वर्तमान समय में 24 जनवरी 2020 से शनि की 7.5 का प्रथम जो 2.5 वर्ष का चरण है वो जारी है कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर, और अभी अभी 6 महीने बीती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु देव का जो गोचर रहेगा 23 सितंबर 2020 से सुबह में 10:43 पर वो चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। अभी वर्तमान समय में राहु देव चल रहे हैं आपकी राशि से, यानी कुंभ राशि वाले जातकों की राशि से पंचम स्थान में। वहीं से ये वक्री होकर वक्रत्व गति में संचरण करते हुए ये आ जाएंगे वृषभ राशि में। चतुर्थ स्थान हमारे जमीन जायदाद का होता है, भूमि का होता है, माता के सुखों का होता है, मित्र के सुखों का होता है, मित्र से संबंधों के लिए देखा जाता है। अब वहीं यदि हम देखें राहु देव का चतुर्थ स्थान में गोचर, तो सामान्य रूप से राहु देव जब तक अकेले रहेंगे चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा। नए नए वाहन खरीदने के मुहूर्त बनेंगे, वाहन खरीदने का योग भी बनेंगे, मुहूर्तों के अनुसार ये वाहन खरीद सकते हैं लग्जरियस अपनी इच्छा अनुसार। माता से मित्र से भी सहयोग मिलेगा। अगर नया घर बनाना चाहते हैं तो वो भी इच्छा इनकी पूर्ति होगी। वहीं यदि हम देखें कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो गृह प्रवेश प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। किंतु जैसे ही चतुर्थ स्थान में राहु देव मंगल के साथ गोचर करेंगे, सूर्य के साथ गोचर करेंगे, उस स्थिति में ये सूर्य के साथ जब गोचर करेंगे तो ग्रहण योग रहेगा गोचर के दौरान। उस स्थिति में चूंकि सप्तम कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम स्थान का स्वामी सूर्य हो जाता है, उस स्थिति में जातक का अपने जीवन साथी से, स्त्री है तो पुरुष के लिए और पुरुष हैं तो स्त्री के लिए, जीवन साथी से मनमुटाव और मतभेद समस्याएं खड़ी होगी। वहीं माँ का विचार करें तो मंगल कुंभ राशि वालों के लिए, मंगल विशेष रूप से तीसरे भाव और दशम भाव कैरियर का मालिक है, तो कैरियर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। घर में कलह की वातावरण बनी हुई रहेगी, गृह क्लेश का वातावरण बना हुआ रहेगा। इसका उपाय भी मैं अंत में बताऊंगा। राहु देव का जो ये प्रभाव रहेगा, गोचरीय प्रभाव, ये विशेष रूप से जब जब सूर्य के साथ आएंगे चतुर्थ स्थान में, मंगल के साथ रहेंगे, तब इनके लिए हानिकारक रहेगा। वहीं द्वादश स्थान में राहु और शनि गोचर कर रहे हैं। द्वादश स्थान में जो गुरु और शनि का गोचरीय प्रभाव है, ये विशेष रूप से राहु की नौमी दृष्टि में आ जाएंगे। हालांकि शनि अपनी स्वराशि में है, गुरु नीच का होकर गोचर करेंगे तो उस स्थिति में नीच भंग राजयोग भी बनेगा, परंतु उस पर राहु जैसे पापी ग्रह का दृष्टि देना किसी भी राजयोग को अच्छा फल नहीं देता है। वहीं अष्टम स्थान जहाँ पर कन्या राशि आ जाती है, जब मंगल गोचर करेंगे कन्या राशि में, जब सूर्य गोचर करेंगे कन्या राशि में, उस स्थिति में राहु देव की जो पंचम दृष्टि है, आप देख लीजिए स्क्रीन पर, राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी अष्टम स्थान पर। उस स्थिति में जब अष्टम स्थान में यानी कि कन्या राशि में जब गोचर करेंगे सूर्य, तो राहु की पंचम दृष्टि में आ जाएंगे, और राहु की नौमी दृष्टि तो ऑलरेडी शनि पर रहेगा ही। तो पंचम से सूर्य हड्डियों का कारक है नेत्र से संबंधित, तो नेत्र से संबंधित विकार जातक को होंगे, जातक को हड्डियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगी, पेट से संबंधित समस्याएं रहेंगी, और उसके लिए जातक को अस्पताल यात्रा का सामना करना पड़ेगा। वहीं यदि हम बात करें राहु देव का, यदि अष्टम स्थान में मंगल गोचर करेंगे कन्या राशि में, तब कैसा प्रभाव रहेगा, उस स्थिति में ये चोट चपेट एक्सीडेंट, बिजली आग से संबंधित दुर्घटना को इंगित करता है, उस समय इनको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि पंचम दृष्टि आ जाएगा मंगल पर और राहु की नौमी दृष्टि आ जाएगी 12वें स्थान अस्पताल के घर पर, तो ये तो अच्छा नहीं रहेगा। वैसे भी सामान्य रूप से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं है। नंबर वन, शनि की 7.5 का प्रथम 2.5 वर्ष का चरण चल रहा है, ये जो चरण चल रहा है ये इनके लिए मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं, अब 7.5 और 2.5 बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करती, किंतु फिर भी मानसिक चिंता, मानसिक पीड़ा ये तो देती ही है। वहीं पर हम यदि राहु के जैसे पापी ग्रह का प्रभाव और उसमें आग लगाने का काम करता है अष्टम में, जब मंगल आ जाएगा तो स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, जो राहु देव की
सप्तम दृष्टि रहेगी दशम स्थान पर करियर के घर के ऊपर, वो अच्छा रहेगा, वो उसके लिए अच्छा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि उस स्थिति में करियर में ये सफलता दिलाने का काम करेंगे और दशम भाव में राहु दृष्टि भी देता है तो अच्छा रहता है। अब इसका निगेटिव फल तो आपने जान लिया, आपको सावधानी भी किस तरह से बरतनी। उपाय देखिए, गृह क्लेश से बचना चाहते हैं, चाहे वो आपके माता से वाद विवाद हो या आपके मित्र से वाद विवाद हो, अपनी जीवन साथी से वाद विवाद हो, तो उसके लिए बचना आप बचना चाहते हैं, उसका बचाव का उपाय करना चाहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए प्रत्येक शनिवार को किसी काले कुत्ते को एक रोटी जरूर दिया कीजिए। कब? जिस समय, जो विशेष रूप से चाहिए कि जो घर के मुखिया हैं और उनकी कुंभ राशि है तब ये वो प्रयोग करें, तब ज़्यादा उनके लिए फायदेमंद होगा, अन्यथा जिनकी भी घर में कुंभ राशि है वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। वो अपने भोजन से पूर्व, जब वो अपना भोजन करेंगे उससे पूर्व उनको चाहिए कि काले कुत्ते को, प्रयास कीजिए कि जो ऐसा काला कुत्ता हो जिसका पूरा बदन ही काला हो, अगर ऐसा नहीं है तो चितकाबर यानी कि मिक्स काला उजला लाल जो मिक्स रहेगा उसे भी आप दे सकते हैं, अगर वो भी नहीं हो तो किसी भी रंग के कुत्ते को दे सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा काले रंग के कुत्ते को एक रोटी देना, और वो भी कब? खाने से पहले, ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा फायदेमंद होगा। वहीं पर जो राहु का प्रभाव रहेगा तो ये तो गृह कलेश के लिए अच्छा है, गृह कलेश से मुक्ति के लिए ये अच्छा है, आपको गृह कलेश के लिए अच्छा, इसमें ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ये आप कुत्ते को रोटी देने वाला काम करेंगे तो। अब हम इसके बाद देख लेते हैं अष्टम स्थान का जो मंगल है उसके लिए हम जो देख लेते हैं, और बारहवें स्थान जो शनि का प्रभाव है उसके लिए, तो आपको चाहिए कि प्रत्येक शनिवार के दिन आपको चाहिए पीपल का वृक्ष, देखिए यदि आपके घर के आसपास है, उसका पहले आप 7 परिक्रमा कीजिए और 7 या 8 की संख्या में मिट्टी के तेल में, मिट्टी का जो दीपक रहेगा उसमें आप सरसों का तेल देकर दिया जलाएं, हो सके तो उसी जगह ओम सम शनिश्चराय नमः का पाठ करें, और यदि 108 बार, और यदि संभव नहीं है तो दीपक उसी जगह जला लें, 8 दीपक जलाएं, या हो सके मिट्टी का भी दीपक हो सकता है, अन्यथा आप अन्य चीज़ों में भी 8 दीपक जला सकते हैं, परिक्रमा साथ ही कीजिएगा। अब 7 दीपक या 8 दीपक इसका क्या तात्पर्य है, तो देखिए ग्रहों के क्रम में जैसे सूर्य चंद्रमा बुध, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, तो ग्रहों के क्रम में 7वां नंबर पर आता है शनि, और वहीं शनि का जो अंक शास्त्र में नंबर है वो है मूलांक 8, तो मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है, तो आप शनि का भी उपाय करने का 7 दीपक या 8 दीपक का उपाय कर सकते हैं। ये जब आप उपाय करेंगे तो आप खुद पाएंगे आपके जीवन से कि जो ये समस्या रहेगी वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी, अन्यथा चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, और जो हकीकत बन रहा है वही हकीकत ही बताना, हकीकत और वास्तविक ज्ञान से ही अवगत कराना हमारा कार्यक्रम है और हमारा उद्देश्य भी है, किसी भी झूठ और फरेब के नहीं कि राहु की दशा, राहु उच्च का है चतुर्थ स्थान में तो राहु का रत्न पहन लो बिना जन्म कुंडली भी देखे, और जब राहु का रत्न पहना तो बिना मतलब में चोट चपेट एक्सीडेंट अस्पताल का यात्रा करने लगा, जीवन साथी से यहाँ तक कि विवाह में डाइवोर्स तक का नौबत आ गया, डाइवोर्स हो भी गई दूसरी विवाह भी सक्सेसफुली हो गई नहीं हो रहती है, तो ऐसी काम हमारा करना नहीं रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि इसका जो निगेटिव इफेक्ट है शनि का उपाय करने से, चूंकि राहु जो है वो शनि के ही समान फल देते हैं, राहु देव शनि के ही समान फल देते हैं, तो शनि जैसे ही आपके लिए शांत हो जाएंगे, हालांकि हैं तो विपरीत राजयोग में, लेकिन आपके लिए लाभ और धन का स्वामी जो बनता है बृहस्पति, वो भी नीच राशि में, तो धन की स्थिति बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते, ये जो राहु का गोचर रहेगा 1.5 वर्ष यानी कि 18 माह तो हम अच्छी नहीं कह सकते, विपरीत राजयोग में शनि भी अच्छा वहाँ पर नहीं रह सकता है, कब अच्छा नहीं रहा, क्योंकि खुद ही पापी ग्रह की दृष्टि में है, यानी जब मैं खुद बीमार हूँ तो मैं अगला को स्वस्थ कैसे कर सकता हूँ, या अगला व्यक्ति को, मेरे पास खुद ही ज्ञान नहीं रहेगा तो मैं अगला को कैसे ज्ञान दे सकता हूँ, वही ग्रहों में भी पाई जाती है। प्रयास कीजिए, ये उपाय करेंगे निसंदेह आपको छुटकारा मिलेगी, और ठीक है फिर राहु का राशि परिवर्तन बच गया, आखिरी राशि वालों के लिए मीन राशि।